समझना मुझको वैसा वैसा, मेरे बटुआ में है पैसा, तुझे खिलाऊंगा मैं जी भर के गरम समोसा, इडली 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 डोसा। जी हाँ, तो वन ओनली। कागजी पति आज आ गए हैं बिल्कुल फॉर्म में, हैं मतलब 2-3 दिन डाउन थे और गायब भी थे, जो कल या परसों में वीडियो आया था, परसों, तो भाई साहब उसमें ना थोड़ा सा डाउन थे। बातें कर रहे थे लेकिन वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं सब्सक्राइबर्स के, लेकिन फिर एकदम से भाई साहब बंदा फॉर्म में आ चुका है और फॉर्म में आने के साथ साथ थंबनेल आए हाय। वैसे थंबनेल से ना बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो सकती है, अरे जिज्जा जी ने भी आज खेल दिया कि रोज़ तुम्हें सारे सब लोग थोड़े खेलोगे हैं, मम्मी जी में सुधार ला रही हूँ, मम्मी जी में समय के साथ बदल रही हूँ, फलान ढमाक न जाने काका। आज जिज्जा ने भी खेल दिया कि चलो भाई आज हम भी खेल लेते हैं। अच्छा तो पहले थंबनेल सुनिए, थंबनेल सुनने के बाद आपके हालात, जज्बात और ख्याल सब बदल जाएंगे भाई साहब। चलिए शुरू करते हैं। फाइनली पहाड़ों की रानी आ गई घर, मम्मी जी के रेसिपी आई काम। इस मुश्किल वक्त में मम्मी जी की रेसिपी आई काम, इस मुश्किल वक्त में। तो रेसिपी से भी बहुत सारा चीज़ जुड़ा है और इस रेसिपी में का कहानी है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन इस चीज़ को कभी भी कोई नहीं माना वो कौन है। आपको पता है कुनबावासी। तो भाई जो पहाड़ों की रानी है उसको लेकर तमाम लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि विगत दिनों में एक सेकंड चैनल किसी ने शुरू करा था, याद है आपको? तो उस सेकंड चैनल का जो स्टार्टिंग में नाम था वो क्या था? पहाड़ों की रानी। याद आया? उसके बाद फिर चैनल का नाम चेंज कर दिया गया था। अरे हमारे जिज्जी के 2 चैनल हैं, एक चैनल पे बिल्कुल सन्नाटा रहता है, लेकिन देखिए ऑप्शन होना चाहिए सेकंड वाला, क्योंकि जिज्जी कुछ फेक वो जो है स्ट्राइक वगैरह भेजी थी कुछ लोगों को, और फिर उनका जो किया धरा उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। यहाँ तक कि जिज्जा जी को भी भेजी थी, लेकिन जिज्जा जी से भी ट्रू वाला प्यार करती हैं, वही ट्रू सब्सक्राइबर ही बोलते हैं कि जिज्जी हमारे जिज्जा से ट्रू वाला प्यार करती है। और इस प्यार में ना अपने पति की कौन कौन सी परीक्षा लगी पता नहीं, स्ट्राइक तक भेज चुकी हैं। हालांकि यूट्यूब ने लताड़ लगाई थी मेल करके कि अगर इस प्रकार से आपने आगे भी कोई गतिविधि करी तो आपके चैनल पे भी खतरा हो जाएगा। 7 दिन का मौका भी मिला था जिज्जी का, हालांकि वो मेल कब का था, डेट तारीख और ये टाइम वाइम कुछ नहीं दिखाया गया था। खैर चलो छोड़ो। तो जिज्जी ने उस टाइम सेकंड ऑप्शन बना लिया था कि कल को अगर मेरे हाथ से ये चैनल चला गया तो सेकंड वाले पे आए कि हम अपनी ना नौटंकी ड्रामा और कुछ रेसिपी, कुछ अपनी कुछ चुराई हुई मतलब इधर उधर की। देखिए कभी ना कभी किसी ना किसी से कोई ना कोई सीखता ही है, तो चुराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ क्रेडिट दिया जा सकता है अगर आप अच्छे ह्यूमन बींग हो। तमाम रेसिपी हम यूट्यूब से देखते हैं, तमाम फलाने से, तमाम धमाके से किसी न किसी सीखते हैं, तो कहते हैं आज हम आपको बताएंगे ये रेसिपी, लेकिन ये रेसिपी मैंने वहाँ वहाँ से उस बंदे से सीखी थी। ऐसा सभी करते हैं, और जो उस रेसिपी बताते हैं वो भी बताते हैं कि भाई साहब हमने ये यूट्यूब से सीखी थी, मम्मी से सीखी थी, दीदी से सीखी थी, जैसे कि ये लोग बताया करती हैं, मम्मी से मैंने ये सीखा, मम्मी से मैंने वो सीखा। तो ये भी बताया जा सकता था कि ये मैंने उस कागजी वाली सास से सीखा था। खैर छोड़ो, अब लोगों ने उसको अपना ब्रांड बना लिया कि हमारे घर की ये चना वाली रेसिपी है। अब चलिए छोड़िए, देखिए चना ऐसा कोई नहीं है कि हर घर में बनता है, और सबका अलग अलग तरीका होता है, तरीके की बात है कि कौन किस तरीके से बना रहा है, है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई जिज्जा जी के कागजी जिज्जा जी के घर के अलावा इससे पहले भाई कब उन्होंने ये रेसिपी ना बनाई होगी, बिल्कुल बनाई होगी, है ना। तो पहाड़ों की रानी सुनकर टरू वाले तो नाचने ही लगे होंगे कि हाय दैया, मतलब आज हमारे जिज्जी पहुंच गए पायल छनकाने। तमाम वाले कबो कबो बोला करते हैं कि एक काम करो, तुम बच्चा को उठाओ, कपड़ा लगता लो, सीधे घर के अंदर घुस जाओ। तमाम लोगों ने ऐसी एडवाइस दी है, और फिर भाई जब पता चला कहानी तो कहानी का ट्विस्ट कुछ और था। अरे गाड़ी, असल में 800 गाड़ी एक बाहर तक खड़ी थी, ऑल्टो वाली, है ना। तो उनका कहना था ये छोटी सी गाड़ी है, इसको चाहे रफ टफ होती, चाहे पहाड़ों में जैसे घुमाओ, एक तरीके से पहाड़ों की रानी होती है, मतलब भाई साहब बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ। तो पूछ रहे थे कि भाई जिसकी भी गाड़ी है पर हमारे घर तक आ गई, और हम उम्मीद करते हैं
कि आने वाले टाइम में हम भी ऐसा एक खरीद लें। तो ऐसा है कि पहाड़ों हम भी घुमा घामा करेंगे, अक्सर जाते ही हैं, तो इसलिए पहाड़ों की रानी का वहाँ पर यूज हुआ था। और वैसे 800 से दर्शकों को आपको कुछ याद आया बताइए, आया कि नहीं आया? आई थिंक कुछ लोगों को तो याद आ गया होगा, और जिसको याद आया होगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे बात करने से 800 का और किसी से भी कुछ संबंध है, याद आया आपको? अरे चाची बस बस, हमें पता है तुमको ज़रूर याद होगा क्योंकि तुम दिल जिगर किडनी लगाए के वीडियो देखती हो मेरी जिज्जी के। आप लोगों को भी याद आ गया होगा, कानपुर IIT कुछ साल पहले जिज्जी जाती है, और बड़ी जिज्जी का कहना था कि मैं छोटी को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना रखना चाहती हूँ, और उसकी शुरुआत करेंगे उसको गाड़ी सिखाने से। अगर जिज्जी हमारी गाड़ी चलाना सीख लेगी तो फिर वो पहाड़ों में और या फिर यहाँ वहाँ कहीं पर भी नज़ारों में अपनी गाड़ी लेके खो जाएगी, और पहली बात उसको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ना बग्गा का, ना बग्गी का, ना किसी और का, ना ही किसी ड्राइवर भैया को हायर करना पड़ेगा। तो इसलिए सर्वप्रथम हम इसको गाड़ी की क्लासेस देंगे और ये गाड़ी सीखेगी, और इसके बाद जहाँ मन होगा ये ड्राइव करके पहुँच जाएगी। तो गुप्त रूप से इनको जो है वहाँ पर क्लासेस दी गई थी, गुप्त रूप से ड्राइवर भैया आए थे, हालांकि 75% जनता का यही कहना है कि नोना जिज्जा ही सिखा रहे थे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई जब जिज्जी ने गाड़ी सीख लिया और एक दो बार हमने देखा छोटकन्नी जिज्जी ने दिखाया गाड़ी चला के, मतलब कभी आगे कर रही थी कभी पीछे कर रही थी, बस इससे ज़्यादा हमने उनको चलाते हुए नहीं देखा। तो उनका कहना था कि देखिए मैं इतना पैसा तो कमाती नहीं हूँ कि एक गाड़ी खड़ी खड़ी कर सकूँ अपने घर के सामने, और मैं सेकेंड हैंड गाड़ी ले लूँगी क्योंकि अभी तो 800 आना बंद भी हो गई है, वो वाला मॉडल जो जी लेना चाहती हैं, और फिर ना मैं 800 तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ सेकेंड हैंड या फिर थर्ड हैंड, है ना, फिर मैं वो चलाऊँगी। अब याद आ गया? हाँ तो देखिए 800 भाई हमारी जिज्जी की भी हो सकती है, कहाँ पता हमारी जिज्जी सीखते साखते आ गई हो कि आज तो भैया आर या पार तेरी दीवार तोड़ के मैं छेद करके सीधे अंदर आ जाऊँगी घर के, हैं? तो 800 अब जिसकी भी हो, लेकिन हमारे एक टाइम पे जिज्जी लेना चाह रही थी। दर्शकों ये लोग कितना मतलब बकवास करते हैं, इतनी छोटी और झूठी बातें होती हैं इनकी कि का ही बताएं। मतलब वो महिला उस टाइम पे का बोल रही थी, हम ना दीन हैं दुखियारी हैं, इतना पैसा भी नहीं कि हम कोई अच्छी गाड़ी ले सकें, लेकिन हमें गाड़ी चलाना है तो हम सेकंड हैंड कोई 800 ले लेंगे। जो महिला जो लड़की 800 गाड़ी ले रही थी वो भी सेकंड हैंड, वो 15, 16, 17, 18 जितना भी लाख रुपया लगा हो टंडीला खड़ा कर ले इसने, मतलब गाड़ी नहीं ले सकते लेकिन अपना रहने के लिए निवास स्थल बना सकते हैं। देखो यार सौ की सीधी बात, नक्को बकवास, सबको पता है यार कि अच्छा खासा आप अर्न करते हो महीने का 60-70 हज़ार कभी कभार जो मिनिमम होता है, बाकी लाखों में भी जाता है क्योंकि कोई किसी की भी इनकम चेक कर सकता है यूट्यूब के अलावा, जो भी यूट्यूब पर बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनका एस्टिमेट अमाउंट जो भी होता है मंथली वो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। बड़े बड़े छोटे छोटे जो मिनिमम बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो उनका नहीं होता है, बाकी बड़े यूट्यूबर का होता ही होता है, आप उनका मंथली इनकम चेक कर सकते हैं कि कौन कितना कमाता है। तो यार इस प्रकार की झूठी बातें यहाँ पर आके बोलते हैं, इनको लगता है कि जनता कितनी बेवकूफ़ है। भाई गूगल बहुत सारी चीज़ें अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया है कि भाई आप अंदाज़ा ला सको लगा सको। कुछ ऐसे ब्लॉगर हैं जैसे कि एक राजा भैया हैं, और कुछ ऐसे गरीब ब्लॉगर हैं, मतलब जो गरीबी से ब्लॉगिंग शुरू करे थे लेकिन आज वो अमीरी के टॉप पे पहुंच चुके हैं, लेकिन वही घर में रहेंगे, भले पीछे अच्छा घर बनवाया है लेकिन अच्छे वाले घर में नहीं जाएंगे, वहाँ सिर्फ रील कभी कभार बना लेते हैं, यूट्यूब पे पुराने वाले घर में जाएंगे, वहीं पर सिलबट्टा चलाएंगे, वहीं पे चूल्हे खाना बनाएंगे, क्योंकि उनको ना हमेशा गरीबी दिखानी है और जनता को मूर्ख बना के अट्रैक्ट करना है डॉलर बढ़ाने के लिए, रियलिटी वो कभी नहीं दिखाते हैं। हालांकि वो आजकल इतना कमाते होंगे ना कि कई अमीर लोग मिलकर ना कमा पाते होंगे, नौकरी या बिजनेस वाले। मैं बात कर रही हूँ राजा ब्लॉग की, और ऐसे ही एक झारखंड के एक यूट्यूबर और थे, क्या नाम था उनका मैं नाम भूल रही हूँ, जो भाई और बहन, बहन का नाम सावित्री था और भाई का नाम मैं भूल रही हूँ, तो वो दोनों पहले टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियो बनाते थे, उससे वो फेमस हुए थे।
फिर वो गरीबी बहुत दिखाए, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे ब्लॉगर आज भी गरीबी दिखाते हैं, लेकिन वो रियल में करोड़पति बहुत हैं, करोड़पति से भी ज़्यादा, है ना। तो ये है इनकी सबकी कहानियाँ। तो भाई जो ये सारी चीज़ें हैं ये ऐसी ही हैं। आज जी देखो रोना धोना करती हैं, इनको परेशान करने के लिए अपने पति से पैसे चाहिए, पर सच्चाई आप सबको पता है कि ये कितना कमाती हैं, किस लेवल का कमाती हैं। और छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बढ़िया, उसके बावजूद भी खर्चा चाहिए। ऐसे कैसे छोड़ेंगे, हक है, अधिकार है, कानून ने दिया है, हम तो लेके रहेंगे। ये वाला सीन चल रहा है। तो जो चने की रेसिपी मम्मी जी ने दिखाई थी, वो कई बार हमने देखा है कि हमारे छोटकन्ने जज्जी और बाकी लोग भी बनाते हैं पटना तक, है ना, उसी स्टाइल से। तो अब वो सारी चीज़ों को हमारी जज्जियों को बुरा लग सकता है, हाँ, आई के टोंटबाजी भी कर सकती हैं, लेकिन अब भाई जो सच था वो तो बोल दिया गया। और क्रेडिट देने में देखिए मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। सब्सक्राइबर भी समझ गए, सब्सक्राइबर भी लिख रहे हैं सही बोला, अब तो रेसिपी भी चोरी होने लगी है। तो भाई साहब यम्मी यम्मी, और जो आंटी जी की रेसिपी है किसने चुराई कब चुराई सबको पता है, लेकिन क्रेडिट देने का जब टाइम आता है तो फिर क्रेडिट नहीं देते हैं। और इस तरीके के जो ब्लॉग हैं, जनता चाह रही है कि अब ब्रेक है कोई बात नहीं, पर घर में जो चीज़ें हैं आप जो डेली रूटीन करते हो वो आप दिखा दिया करो, तो उससे ना हम लोगों को अच्छा लगेगा। एकदम से गायब हो जाते हो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जनता ने तमाम इनसे रिक्वेस्ट करी है, और जो ये रेसिपी है उसको खाने के लिए। और उसके दूसरे दिन भाई एक बच्चा भी था, बच्चा कौन, इनके बहन का बच्चा, जिसको अब उसको भी साइकिल चाहिए, और वो वहाँ पर वो ढूंढ रहा था स्टॉलर कि भाई वो तो स्टॉलर की जगह कहाँ है। तो भाई उन्होंने ये भी बता दिया कि स्टॉलर तेरे भाई के पास पहुँच गया है, और बच्चे को भी अब साइकिल चाहिए। तो जब साइकिल दिलाएंगे मामा जी तो तमाम लोग विवाद पे आ जाएंगे कि देखा ना बेटा, अपनी बहन के लड़के को सब कुछ दे देगा, घर थमा देगा। पहले तो यही बोला जाता था कि सब कुछ लाद लाद भर भर के दे देती हैं, यहाँ सब कुछ लाद लाद ले जाती हैं। एकदम से भाई साहब सुबह सुबह आ भी गई थी कंचन, तो मम्मी जी और कंचन बात कर रही थी, एकदम से कैमरा में दिखाया गया, फिर गुड मॉर्निंग हुआ, जो कि कुछ लोगों के दिल जिगर किडनी में बहुत ही ज़्यादा आघात पहुँचा होगा, क्योंकि जब भी वो उस लड़की को उस घर में देखते हैं तो लोगों को बहुत बैड फील होता है। आप सबको पता है कि किन किन को बैड फील होता है, वो दिखावटी में बहुत बोलते हैं कि हाँ अब हम रिलेट कर पा रहे हैं फलान ढमा, और वॉइस ओवर चैनल की बात ही क्या है भाई, उनका तो आधा जलन इसी से। कल के भी उनके जो वीडियो थे जो झूठ की दीवानी का, तो वहाँ पर जब लोग लिख रहे थे कि आप जाके उनका घर बसाइए समझाइए, तो उसमें भी तमाम लोगों ने यही लिखा था कि अच्छा है बसाए तो क्या बसाए, इसके बसाने से थोड़ी होगा, जो मेन है कल्पित वो कौन है, बताया गया था जिज्जा जी की बहन को, मम्मी जी को, कि वो भाई बसने नहीं देंगी हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये सबको पता है, यहाँ पर चप्पा चप्पा जानता है इस बात को कि कितना ज्यादा है इनके सबके दर्द तकलीफ सब कुछ है। व्यक्त नहीं कर पाते हैं अपने जज्बात को, बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं। खैर अब ये जो वीडियो आया है इससे काफ़ी कुछ क्लियरिटी मिल गई है, और उम्मीद करते हैं उन लोगों को जवाब मिल चुका होगा जिनको लग रहा था कि यू नास पीटा सबको उल्लू बनाए रहा है, दोनों भैया मिल मिलाए रहे हैं, चोरी चोरी हैं, प्यार मोहब्बत इश्क लड़ाए रहे हैं, और ऐसा चल रहा वैसा चल रहा है। तमाम लोग मिलके जो बातें कर रहे थे उनकी गतिविधियों पे ना विराम लग जाएगा, क्योंकि भाई साहब ऐसा हो नहीं सकता। उसने बोल चुका है भाई, बार बार बोलता है बंदा कि मैं ना भाई अपनी तरफ से ना अपील कर चुका हूँ डाइवोर्स की, क्योंकि जो चीज़ें अब दिल जिगर किडनी से हट गई हैं उसको जबरदस्ती तो आप नहीं कर सकते हो, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ लोग फिर भी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते रहते हैं, और उनको जो बल मिलता है वो हमारी जिज्जी के टाइटल के माध्यम से कि सब कुछ सही हो रहा है, बहुत जल्द हम साथ होंगे, अगले बर्थडे पे सिडको मैं उसके पापा को गिफ्ट करूँगी, फलान ढमाक न जाने का वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर कमाने का एक तरीका है, क्योंकि जो चाहते थे वो हुआ नहीं। तो उनका अभी एक ये है कि भाई साहब जो मिला नहीं पर हम अब दूसरा चीज़ हासिल करेंगे, यो हैं कोई चीज़ नहीं, रिश्ता ख़राब हो गया कोनो बात नहीं, चीज़ें नहीं हो पाई कोनो बात नहीं, पर अब हम ये ज़रूर करेंगे। इस वजह से जिज्जी ऐसी गलत फहमी वाली बातें फैलाती रहती है, बाकी उसका ना सच्चाई से अब कोई लेना देना नहीं है।
अब उधर से फाइल कर दिया गया है, और उसके बाद कोर्ट कचहरी पुलिस थाना में जो सुनवाई उनवाई होगा, उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा, और उससे कोई भी पार्टी सहमत असहमत है तो दोबारा वो याचिका अपना मुकदमा मुकदमा दायर कर सकते हैं। यही प्रोसीजर होता है। बाकी गुमराह करने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।